हर भारतीय हिंदू है, मगर क्या हर भारतीय को संघ का यह दर्शन मंजूर है? यह भी बड़ा सवाल है। और क्या हर भारतवासी खुद को हिंदू मानता है? इस रिपोर्ट को देखिए। हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज, क्या 130 करोड़ देशवासी हिंदू हैं? भागवत ने हर हिंदुस्तानी को हिंदू क्यों कहा? भारतीयता का आधार संस्कृति या संविधान? भागवत के हिंदू दर्शन पर क्या बोला हिंदुस्तान? मोहन भागवत जी के बयान को हम सीरियस नहीं लेते। जिस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के लिए आरएसएस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, सोच के स्तर पर ही जिसे असंवैधानिक ठहरा दिया जाता है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हैदराबाद में स्वयं सेवकों के बीच उसे स्पष्ट करते हुए जो कहा वो पहले सुनिए। मैं हिंदू कहता हूँ तो किसी को ठोकता नहीं, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वो क्या मानते हैं उसका प्रश्न है, हम क्या मानते हैं इसका प्रश्न नहीं है। वैसे पहली बार नहीं जब संघ ने हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या इस अंदाज में की हो। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नागरिकता कानून और एनआरसी पर मचे घमासान के मद्देनजर भागवत ने देश को जोड़ने के लिए ये बयान दिया है? क्या वो उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो अपनी नागरिकता जाने के डर से हिंसा पर उतारू हैं? मकसद चाहे जो हो, मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं को संघ प्रमुख का ये बयान कतई रास नहीं आया और वो कतई ये मानने को तैयार होने के डर से हिंसा पर उतारू हैं। मकसद चाहे जो हो, मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं को संघ प्रमुख का ये बयान कतई रास नहीं आया और वो कतई ये मानने को तैयार नहीं कि देश का हर नागरिक हिंदू है। इसके चीफ को इस तरीके का बयान, इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए था। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसमें है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, शिया, सुन्नी सब रहते हैं। यहाँ ऊपर सब हिंदू नहीं रहते हैं। हमारे मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि इस गुलदस्ते में हर रंग का फूल पाया जाता है, मगर बड़े अफसोस की बात है। मोहन भागवत जी के बयान को हम सीरियस नहीं लेते, क्योंकि मोहन भागवत जी का एक बयान नहीं है इस पर। कभी वो ये कहते हैं कि साहब मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का वजूद ही नहीं है, कभी कहते हैं देश के सारे लोग हिंदू हैं, आज फिर उन्होंने कह दिया कि सांस्कृतिक रूप से सभी लोग हिंदू हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज जो भी रहे हों, हम उस पर बात नहीं करते। हम आज क्या है हम उस पर बात करेंगे। हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं, हमारी संस्कृति, हमारा मजहब, हमारा दीन इस्लाम है, हम उसी को मानते हैं, हम दूसरी संस्कृति किसी को नहीं मानते। हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, अपना अलग एक नाम रखता है। कल तक हम मानते हैं कि ठीक है, लोग हमारे साफ सफेदों का देश हमको कहते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के अपने इस मुल्क में रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ छेड़ना है तो फिर तरक्की वाली बात कीजिए। संघ प्रमुख ने विविधता में एकता नहीं बल्कि एकता में ही विविधता की बात कही, मगर ये बात न तो विपक्ष को रास आई और न ही बीजेपी के सहयोगी आरपीआई के नेता रामदास आठवले को।
हाँ, कोई इसे सही बता रहा है तो वो है बीजेपी। शायद उनका कहना ऐसा हो सकता है कि भाई वो सब हिंदू है, ऐसा तो उनका जो कहना है वो ठीक नहीं है, लेकिन सब हिंदुस्तानी है या भारतीय है, ये इसी तरह का बयान अगर होता था तो बहुत अच्छी बात होती थी, लेकिन अभी जो हिंदू तो नहीं है, इनको हिंदू समझना ठीक नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तानी है, ऐसी अगर उनमें भावना मोहन भागवत जी की होगी तो हम समझते हैं कि भाई वो तो ठीक है। मोहन भागवत जी इस प्रकार के बयान देके देश के अंदर तनाव का वातावरण पैदा कर रहे हैं। हमारे देश में हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी तमाम यहाँ पर समुदाय हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, एकदम से उन्होंने जो कहा ये बहुत ही अच्छा कहा है, और जो भारत का रहने वाला है वो हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, और वो हिंदू है, बिल्कुल इसमें निसंदेह कोई गलत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सच है ये बात। बीजेपी के मुताबिक संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा वो वसुधैव कुटुंबकम का ही विचार है, मगर विपक्ष के लिए भागवत के बयान का आधार संस्कृति नहीं सिर्फ धर्म है, और यही वो मोहब्बत की बजाय नफरत का बीज बो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।